क्या आप भी बड़े बड़े एजुकेटर्स की तरह प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियोस बनाना चाहते हो, है ना? लेकिन आप सोचते हो कि यार मैं तो शायद छोटा क्रिएटर हूं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सब मैं कैसे करूंगा? अरे चिंता मत करो, ये सब अब सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? OBS नाम के सॉफ्टवेयर से। अब आपको बच्चों को PPT दिखानी हो, PDF दिखाना हो, कोई एक्सटर्नल वीडियो इनपुट दिखाना हो, या फिर किसी प्रोफेशनल कैमरा को अपने कंप्यूटर या अपने वीडियो स्ट्रीमिंग में कनेक्ट करना हो, ये सब पॉसिबल है OBS से। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम ये जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ना, इसके बाद आप बन जाओगे OBS एक्सपर्ट और फिर से बनाना शुरू कर दोगे प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि इस कोर्स की, कौन से कोर्स की, YouTube फॉर एजुकेटर कोर्स की एक भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम हर एक वीडियो में बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे जिससे आपकी चैनल की ग्रोथ फटाक से तेज हो जाएगी। तो अब शुरू करने से पहले मैं अपने स्टाइल में कुछ कहूंगा। देखिए, आप हैं टीचर कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाएंगे, अरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको OBS का एक्सपर्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूँ। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में और प्रिंट कॉमेंट में हमने लिंक दिया है जहां से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ वीडियो देखो। इससे पहले कि हम OBS को चलाना सीखे, उसे डाउनलोड तो कर ले। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर macOS, विंडोज, लिनक्स पे भी चलता है, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस गूगल करेंगे। आप गूगल करेंगे फ्री डाउनलोड OBS, और बस जो भी पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देना, और फिर सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे केस में विंडोज है, तो मैं यहां पे विंडोज सेलेक्ट कर रहा हूं। बस फिर करना कुछ नहीं है, यहां पे जो पॉपअप आया उसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। बस ये इंस्टॉल हो गया, ये हो गया है OBS डाउनलोड। अब रेडी हो जाओ प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस बनाने के लिए। आप जैसे ही OBS खोलेंगे, आपको कुछ डायलॉग बॉक्सेस दिखेंगे विद सम प्रीसेट्स। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हें ऐसे ही रहने दें डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 मेन सेक्शन दिखेंगे। इसमें से जो सीन टैब है वो बेसिकली आपका एक प्रोजेक्ट है। इसको कस्टमाइज करने के लिए बाकी के सेक्शन हैं, दैट आर सोर्सेज, ऑडियो मिक्सर, सीन, ट्रांजिशन एंड कंट्रोल्स। बट इस सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोर्स। तो अगर आप यहां पर प्लस साइन पर क्लिक करें तो एक मेन्यू डिस्प्ले होगा विद इन्यूमरेबल ऑप्शंस। घबराइए मत, आपको ये सारे ऑप्शंस यूज नहीं करने हैं, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करने। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे और आसान हो जाएगा सब काम। नाउ दिस इज योर गो टू फीचर व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट। PDF स्क्रीन पे शो करनी हो तो द ऑप्शन यूजफुल फॉर यू इज विंडो कैप्चर। फॉर दिस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वन नोट पर अपने लेसन के नोट्स बनाएं। इसके लिए भी आपको प्लस साइन पर क्लिक करके विंडो कैप्चर सेलेक्ट करना होगा। इस केस में हम PDF से पढ़ा रहे हैं, तो हम अपना वन नोट वाला विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप PPT से पढ़ाना प्रेफर करते हैं तो उसके लिए भी OBS आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब PPT में मल्टीपल स्लाइड्स और मीडिया के साथ आप पढ़ा रहे हैं, तो इन सबको अच्छे से शफल करने के लिए आपको विंडो कैप्चर नहीं, डिस्प्ले कैप्चर सेलेक्ट करना होगा। इससे आपको पूरी स्क्रीन इंक्लूडिंग ऑल योर टैब्स विजिबल होंगे। बट ध्यान रखिएगा, अनलाइक विंडो कैप्चर, इस डिस्प्ले कैप्चर के ऑप्शन के अंदर आपको जो स्क्रीन विजिबल होगी, वही बच्चों को या स्टूडेंट्स को या आपकी ऑडियंस को वही स्क्रीन विजिबल होगी।
आप भले ही बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स को बोलते हुए देखते होंगे कि उन्होंने जब शुरुआत की थी तो वॉइस ओवर वीडियो से करी थी या फिर पीडीएफ या पीपीटी वीडियो से करी थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे एंगेजिंग वीडियोस जो होती है ना वो होती है फेस कैम वाली वीडियोस। अब आप कहोगे कि फेस कैम के लिए तो हमें एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा लेना होगा और उसके लिए शायद खर्चा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम आपको बताने वाले हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव जो कि काफी किफायती भी है और आपको वो पड़ेगा 1000 से 2000 के बीच का, वो है वेब कैम। आपको बस एक वेब कैम लेना है और वो कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, हमें एक्सटर्नल वेब कैम लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, या फिर जिनके पास भी लैपटॉप है उनके अंदर जो है वेब कैम ऑलरेडी सेट होगा, तो आपको उसी वेब कैम का यूज कर लेना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है दोबारा से प्लस ऑप्शन पर, प्लस आइकॉन पर, और फिर वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है। आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू पे और लिखना है वेबकैम। इसके बाद आपको चूज करना है डिवाइस जो कि है आपका वेबकैम। रेजोल्यूशन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको वेबकैम का ही माइक सेलेक्ट करना है, अगर आपने एक्सटर्नल वेबकैम लगाया और उसका माइक सेलेक्ट करना है, तो सेटिंग्स में जाके ऑडियो वाले टैब पर क्लिक कीजिए। वहां आपको ऑप्शन दिखेगा माइक ऑक्सिलरी ऑडियो डिवाइस, जिसमें आपको अपने वेबकैम का नाम सेलेक्ट कर लेना है अगर आपने एक्सटर्नल वेबकैम लगाया है तो। इससे अब आपका ऑडियो और वीडियो दोनों वेबकैम संभाल लेगा। अगर ये कुछ फिंगर टिप्स पे आ जाए ना आपके, ये कुछ जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आपके फिंगर टिप्स पे आ गए तो समझो आपको बेसिक लेवल ओबीएस तो आ गया। अब हम आते हैं एडवांस लेवल ओबीएस पर। एडवांस लेवल ओबीएस की कब जरूरत पड़ती है मैं बताता हूं। या तो आपको मोबाइल फोन से ओबीएस पर शूट करना हो या फिर आपको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना हो। अब देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग हो, वीडियो हो, वो सारी अच्छी क्वालिटी की हो। उसके लगेगा आपको एक डिसेंट कैमरा, है ना। बट कोई बात नहीं, हम आपके लिए उसमें एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं, वो है आपका फोन जो है हम आपका वेबकैम बना देंगे, जिससे आप बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हो ओबीएस को यूज करके। तो करना क्या है मैं बताता हूं। तो आपको अपने फोन को वेबकैम बनाने के लिए क्या करना होगा, दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो अपने लैपटॉप पे ड्रॉइड कैम डाउनलोड करना पड़ेगा, इससे आप वायरलेसली किसी भी एंड्रॉयड या iOS डिवाइस को अपने ओबीएस से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर पाएंगे और मस्त लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। और दूसरा, आपको अपने फोन में ड्रॉइड कैम डाउनलोड करना पड़ेगा। वंस दैट इज डन, आपने लैपटॉप में ओबीएस को रीस्टार्ट कर लीजिए और घबराइएगा मत, आपने जो सेटिंग्स पहले करी थी वो अभी भी रहेंगी। अब ड्रॉइड कैम को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। याद रखिए कि ड्रॉइड कैम ओबीएस आपको 640x480 की रेजोल्यूशन में अनलिमिटेड लाइव स्ट्रीमिंग देता है, वो भी फ्री में, तो उसे चेंज मत करना, वैसे ही रहने देना, नहीं तो पता लगा कहीं बीच में स्ट्रीम रुक जाए। अब यहां वाईफाई आईपी में और ड्रॉइड कैम पोर्ट में आपको कुछ खास नहीं करना है, बस जो डिटेल आपके फोन वाले ऐप में आपको दिख रही है वही हमें यहां पे इनपुट डालनी है। इससे क्या होगा मैं दिखाता हूं। यह आपका मोबाइल कैमरा आपका वेबकैम बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके फोन की स्क्रीन बंद हो जाएगी, लेकिन बस वो इसलिए होगी क्योंकि ड्रॉइड कैम जो सॉफ्टवेयर है वो आपके फोन की बैटरी बचा रहा है, आपकी लाइव स्ट्रीम चलती रहेगी। देखिए, मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था, वीडियो और ऑडियो दोनों जरूरी है ना। तो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहां पे ऑडियो के टॉगल को ऑन कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि फोन कनेक्ट किया है तो उसका माइक भी यूज करना, ऐसा हो सकता है कि माइक आप अलग से कनेक्ट कर लें, फोन का ना यूज करें, तो आप बस फोन का माइक ऑफ भी कर सकते हैं।
स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है उसे अलाइन करने के लिए ऑल्ट दबाकर उसे आप क्रॉप कर सकते हैं, और ऑल्ट बिना दबाए आप उसे रिसाइज कर लीजिए ताकि वो ठीक से स्क्रीन पर नजर आए। बस एंड में हम इन सारी सेटिंग्स को अपनी अपनी जगह लॉक कर देंगे। YouTube स्ट्रीमिंग, YouTube पर स्ट्रीम करना बहुत ईजी है। बस अपने YouTube पर जाओ और टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद गो लाइव पर क्लिक कीजिए, जिससे आप YouTube के लाइव डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे। यहां आपको एक ब्लू कलर का स्केड्यूल लाइव स्ट्रीम बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। ये हो गई आपकी स्ट्रीम सेटअप। इसके बाद अपनी स्ट्रीम की को कॉपी कर लें और OBS में जाएं। वंस अगेन गो टू द सेटिंग्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर। इधर आपको एक गो टू द स्ट्रीम ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक कर देना। After that, select the custom server और stream key option में stream key को paste कर दीजिए। उसके बाद YouTube से stream URL को copy करके OBS के server section में paste कर दीजिए। इसके बाद press OK और ये हो गई हमारी stream setup। दोस्तों, we are good to go। Video तो sort हो गई, लेकिन audio? अब देखो, हमारे system में OBS तीन जगह से sound ले रहा है। एक वीडियो आउटपुट से, दूसरा कैमरा से और तीसरा डेस्कटॉप से। यानी अगर किसी मोमेंट पे मेरी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो ऑडियंस को सुनाई देगी, जो मैं नहीं चाहता, तो मैं इन्हें म्यूट कर देता हूं। हम कैमरा का ऑडियो यूज करेंगे। विद ऑल दैट सेट मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करूंगा, लेकिन हम लाइव अभी नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें YouTube लाइव डैशबोर्ड पर जाकर गो लाइव पर क्लिक करना होगा। हमारी लाइव स्ट्रीम YouTube तक पहुंचते ही ये बटन ब्लू हो जाएगा और इस पर क्लिक करते ही हम लाइव जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम एंड करने के लिए इसी बटन को दबा देना। एंड स्ट्रीम पर क्लिक करते ही आपकी लाइव स्ट्रीम एंड हो जाएगी। OBS आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। आपको स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखाना है, जिस तरीके से भी दिखाना है, OBS के थ्रू आप दिखा सकते हैं। ये सब फंक्शनैलिटीज OBS में आपको मिलती है। बल्कि हमने ऊपर जितनी भी फंक्शनैलिटीज की बात करी, आप OBS के वर्चुअल कैमरा में वो सब यूज कर सकते हैं। आप लाइव कैसे जाते हो? YouTube यूज करके, या फिर अपने पर्सनल ब्रांडेड ऐप पर जाते हो, या फिर Zoom पे जाते हो? अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप साइमल्टेनियसली लाइव जा सकते हैं OBS के थ्रू, तो आप मानोगे? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे भैया, हमारा पागल मत बनाओ, पर ये पॉसिबल है OBS के थ्रू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि OBS का वर्चुअल कैमरा ही आपके कैमरा या आपके वेबकैम की तरह काम करने लगता है। ये बाउंसर गया ना, कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाता हूं। तो देखिए, जैसे मैं गूगल मीट पर किसी से चैट करने जाता हूं, वहां पर मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं बैकग्राउंड कस्टमाइज करने के। OBS के रहते ऐसा नहीं होगा। मैं दिखाता हूं कैसे। मैं शुरू करने जा रहा हूं अपनी मीट। अब उसकी सेटिंग्स में जाता हूं। यहां वीडियो वाले ऑप्शंस में जाकर हम सेलेक्ट कर लेंगे OBS वर्चुअल कैम। तो अब मैं जो भी मैं OBS पर करूंगा वो मेरे कैमरा पर दूसरों को दिखेगा, जो भी मेरे साथ कॉल पर होंगे। एंड ये देखिए, मेरे गूगल मीट पे वो सब दिख रहा है जो OBS पे मैंने सेट किया है। इनफैक्ट मैं चाहूं तो WhatsApp या कहीं और भी इसे यूज कर सकता हूं। अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते ना, तो आपको लगेगा एक प्रोफेशनल कैमरा, मतलब आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनल कैमरा, क्योंकि आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, और करोगे कैसे? HDMI टू HDMI केबल से, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि HDMI केबल को रिकॉग्नाइज नहीं करता आपका लैपटॉप, यानी कि कैमरा को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, तो उस केस में हमारे पास है एक ब्रह्मास्त्र, जिसे हम बोलते हैं कैप्चर कार्ड। अब आप एक इंटरनल कैप्चर कार्ड भी इंस्टॉल करवा सकते हो लैपटॉप में, लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो उससे भी बेटर ऑप्शन है हमारे पास, जो कि है एक एक्सटर्नल कैप्चर कार्ड। तो ये HDMI केबल मैं डालूंगा जो कि कैमरा में है। HDMI केबल का एक एंड में कैमरा से लगा रहा हूं और एक एंड में
कैप्चर कार्ड में लगा रहा हूँ। कैप्चर कार्ड में आगे यूएसबी ए है जो कि मैं लैपटॉप में लगाऊंगा। ऐसा कैप्चर कार्ड आपको अमेजोन पे 500-2000 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। अब अपने लैपटॉप के HDMI पोर्ट में इस कैप सॉरी यूएसबी ए पोर्ट में इस कैप्चर कार्ड को इंसर्ट कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूं, और HDMI केबल का एक एंड मैंने कैप्चर कार्ड में लगाया और दूसरा एंड कैमरा में। अब अपने OBS में जाइए और सोर्सेस सेक्शन में प्लस बटन पर क्लिक कीजिए और यहां से वीडियो कैप्चर डिवाइस को सेलेक्ट कर लें। कैमरा तो कनेक्ट हो गया है तो वीडियो कैप्चर डिवाइस में भी वो शो होने लग जाएगा, बस उसे सेलेक्ट कर लें। अब कैमरा एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पूरी स्क्रीन पर प्लेस करना है या फिर एक कॉर्नर में प्लेस करना है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिए, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था। बस अब बनाइए हाई क्वालिटी वीडियोस। कैमरा भी आ गया, YouTube पर अकाउंट भी आ गया, OBS जैसा सॉफ्टवेयर भी चलाना आ गया, तो अब लाइव स्ट्रीम तो करना बनता है। अब आते हैं ग्रीन स्क्रीन रिमूवल पर। देखिए, राइट क्लिक कीजिए अपने वीडियो कैप्चर डिवाइस पर और फिल्टर पर क्लिक कीजिए। नीचे जो बॉक्स आएगा इफेक्ट फिल्टर्स वाला बॉक्स, उसमें प्लस बटन पर क्लिक करें और क्रोमा की सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? क्रोमा की। अगर आपकी ग्रीन स्क्रीन इवनली लिट है, मतलब हर जगह बराबर रोशनी है ना, तो क्रोमा की सिलेक्ट करते ही OBS उसे अपने आप हटा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिमिलैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सिमिलैरिटी यानी सिमिलर ग्रीन कलर्स भी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा, बट बेटर यही होगा कि आप ग्रीन स्क्रीन को इवनली लिट रखो, है ना, यहां पे लाइटिंग उसी हिसाब से रखो कि पूरी ग्रीन स्क्रीन पे बराबर रोशनी पड़े। अब हमारी ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो चुकी है, अब चलिए अपने कैमरा को सेटअप कर लेते हैं। तो आपको याद ही होगा कि क्लिक और ड्रैग करके हम अपने कैमरा को रिसाइज कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करते टाइम ऑल्ट प्रेस करके करना है और रिसाइज करते टाइम ऑल्ट नहीं दबाना, ये याद रखना। OBS में आप मल्टीपल सीन सेटअप करके रख सकते हो, मेरे कहने का मतलब है मल्टीपल सेटअप्स, डिफरेंट सेटअप्स आप सेव करके OBS में रख सकते हो और जिस भी तरीके से आपको यूज करने हो आप उसे यूज कर सकते हो। मैं आपको मल्टीपल सेटअप लगा के दिखाता हूं, अभी यहां पे यूज करके दिखाता हूं, एक वन नोट के साथ और दूसरा पावर पॉइंट के साथ। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि जैसे मैं पहले कर रहा था कि जो भी हमारी OBS विंडो में दिख रहा है वो सभी हमारे लाइव पर दिखेगा, हमारी ऑडियंस देख पाएगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई ऐसी स्क्रीन दिख जाए या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दिख जाए बच्चों को जो या फिर अपनी ऑडियंस को जो मैं नहीं दिखाना चाहता, तो वहां पे भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, स्टूडियो मोड कहते हैं उसे। स्टूडियो मोड में क्या होगा, देखो इसे ऑन करने के लिए बॉटम राइट में स्टूडियो मोड को ऑन कर लीजिए और अब आप देखेंगे कि जो आपको दो व्यू फाइंडर्स दिखने लग जाएंगे। अगर आपका लेफ्ट वाला व्यू फाइंडर कहीं से ब्लैक हो जाए तो उसमें टेंशन मत लेना, स्टूडियो मोड में आपका सिर्फ राइट व्यू फाइंडर यानी कि राइट स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही वाला पार्ट विजिबल होगा ऑडियंस को। अगर आप लाइव ले रहे हो तो वही वाला पार्ट ऑडियंस को दिखेगा, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वही राइट वाला ही रिकॉर्ड भी होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग या लाइव के बीच में अपना सीन चेंज करना चाहते हो, जैसे इस केस में वन नोट वाली से मैं पावर पॉइंट में शिफ्ट होऊंगा, तो बस अपने दूसरे सीन को सेलेक्ट करो और स्क्रीन के सेंटर में दिए ट्रांजिशन जो बटन है उन पर क्लिक कर दो। अगर आप इस ट्रांजिशन को फास्ट या स्लो करना चाहते हो तो ट्रांजिशन के नीचे दिए गए ऑप्शंस को, जैसे फेड ऑप्शंस के साइड वाली एरो पर क्लिक करो और इसके टाइमिंग को कम या ज्यादा कर दो। याद रखें कि ट्रांजिशन पर क्लिक करे बिना आपका सीन चेंज नहीं होगा, यानी आपकी लाइव स्ट्रीम पर वही दिखता रहेगा जो पहले दिख रहा था। जैसे ही आप ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी लाइव स्ट्रीम या फिर आपकी रिकॉर्डिंग में सीन चेंज हो जाएगा।
और न्यू विंडो शो होने लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि स्टूडियो मोड का फायदा क्या है, तो अगर आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जिसमें मल्टीपल एंगल्स दिखाना चाहते हैं या फिर मल्टीपल स्क्रीन्स दिखाना चाहते हैं पढ़ाते टाइम, उस केस में आपके ये बहुत काम आएगा। कभी आपको पीपीटी दिखानी है, कभी आपको अपना पीडीएफ दिखाना है, उसमें उस केस में काम आता है। ये हमने बात करी बिगनर से लेकर एडवांस और प्रो लेवल ओबीएस की फंक्शनैलिटीज की, है ना। अब इन सब फंक्शनैलिटीज को यूज करके आप अपने चैनल और अपनी वीडियो की क्वालिटीज को ले जाओ एकदम इसरो के रॉकेट की तरह। और बात रही हमारी, तो हम फिर से आएंगे YouTube फॉर एजुकेटर्स की एक और धांसू वीडियो लेकर। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, अरे कमेंट जरूर करो यार, ये काफी इंटरैक्टिव कोर्स बनाओ इसको। आप हमें बताओ कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, कोई ऐसी बात जो हमने नहीं करी वो हम करेंगे, आपकी बात सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए सब फर्स्ट क्लास है।